मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट मुझे पता नहीं कहाँ से अभी टाइमिंग दिखाओ, मेरा वॉच कहाँ पर है मेरे को पता नहीं। इट्स ऑलमोस्ट 12:20 इन द आफ्टरनून। इतने ब्लॉपर रहने मेरे आजकल, इतने ब्लॉपर रहे। कल के ब्लॉग में तो माय गॉड, जो ब्लॉपर के ऊपर ब्लॉपर हुए वो अलग चीज़ है, वो अलग लेवल का ब्लॉग चला गया जिसमें ब्लॉपर ही ब्लॉपर रहे। अभी सुबह के नहीं, दोपहर के बज रहे हैं 12:30 ऑलमोस्ट, एंड हमने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और हम यहाँ पर देख रहे, क्या दिखाता हूँ आपको, वॉशिंग जोजी ला पास। ये देखो, ये एक्चुअली श्रीमान का ब्लॉग है एक्चुअली, तो वो चल रहा है उसके ऊपर, टीवी के ऊपर। अपना भी सपना वही है कि हम लोग जल्द से जल्द, अभी नेक्स्ट 2 ईयर्स में तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं और वहां पर मैं एक राइडिंग करूं। और मेरा सपना है वो कि मैं जल्द से जल्द वहां तक पहुंचूं, क्योंकि वो जवानी होती है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा जोश वाली रहती है। तो उसके साथ आप वहां पर जाओगे तो बड़ा मजा आएगा। गर्मी थोड़ी नहीं है, बट आज धूप बड़ी, एक्चुअली धूप बड़ी आज तेज है। क्लाउडी नेचर था कल, बट आज बहुत कम क्लाउडी नेचर दिख रहा है। शायद से बारिश हम लोग को बताया एक्चुअली, गवर्नमेंट ने तो अलर्ट शायद से दिया है कि अगले 2-4 दिन में बारिश गिर जाएगी, बट मेरे को इसके ऊपर से देख के तो लगता नहीं कि 2-3 दिन में गिर जाएगी। मेरा एक सुबह सुबह है ना, एक हैबिट बन चुका है, मैं सुबह उठता हूँ, जब भी ऐसे मैसेज आता है अपने मोबाइल के ऊपर कि हाँ यहाँ पर टुडेज वेदर करके, मैं उसके ऊपर जाता हूँ, टैप करता हूँ, और मैं स्पेशली देखता हूँ सैटेलाइट व्यू, जिसके ऊपर क्लाउड्स वगैरह दिखते हैं, तो वो क्लाउड्स वगैरह देखता हूँ और अंदाजा लगा देता हूँ कि आज बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी 100%। और जो हमारे व्यूअर्स है, हमारे सब्सक्राइबर्स है, वो तो ब्लॉग देख ही नहीं रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है सब चीज़ें, बट इट्स ओके, देख लेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे ब्लॉग्स अच्छे बनते जाएंगे वो लोग देखने को शुरू कर लेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिन की शुरुआत करते और लाइक करो, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, भले सब्सक्राइब मत करो बट लाइक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे मोटिवेशन देगा और मुझे अच्छा फील करवाएगा। और यहाँ पर हम बैठे ही थे तो हमको एक असाइनमेंट मिल चुका है, मम्मी ने दिया हमको एक असाइनमेंट, बड़े ही खतरनाक चीज हम लोग अभी बाहर निकाल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। वो खजाने की पिटारा से निकलता हुआ एक चीज, पाइनएप्पल्स को आज हम पूरा साफ करेंगे और इसको खाने लायक बनाने की कोशिश करेंगे। अभी निकलते हुए हमारे कुछ सैनिक उस तरफ, ये ओके। प्रिपरेशन नंबर 1, ऐसी चीज़ें कि अपने को चाहिए वो अन्ना वाला चाकू, वो जो भैया काट के लेके आते हैं अनानास को, वो वाला चाकू, पेशे द ओनली लेजेंडरी चाकू जो बहुत कम मिलता है और जिसके पास है वो धनवान है। और दूसरी चीज है ये जादुई पत्थर, जो मे भी आपके घर पे होगा, ये जादुई पत्थर हमको अभी खींचना है। लेट गो, जल से लाते हैं ये हाथ में अनानास पहुंच चुका है और इसका अभी गेम बजाना पड़ेगा अपने को। लेट्स गेट रेडी। इसके लिए लगेगा एक कपड़ा जिसको हैंडल करने के लिए लगता है, एक्चुअली ये स्लिपरी हो जाता है बाद में, तो उसको हैंडल करेंगे। ये तो अभी कचरा निकल गया और ये आ गया हमारा है, घोड़ा स्लिपरी हो जाता है, जब ये निकलता है पूरा तो स्लिपरी हो जाता है। Now it's totally free. And अभी हम लोग करेंगे इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे डायगोनल कट्स। ओके, हमारा ना डन विद दिस है, अभी इसका ना पार्टीशन पढ़ना है, इम्पोर्टेंट है, तो इसको पार्ट करेंगे स्लाइस। ये जो डिज़ाइन बनाने के लिए टाइम जो लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट होता है वो ऐसे दांत के नीचे आता है, वो फाइबर टाइप होता है, तो वो तकलीफ देता है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, इंट्रोड्यूसिंग यू पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इज रेडी और पाइनएप्पल काट के एकदम ऐसे मस्त खाया जाएगा अभी। अगर आपको है ना टेक्निक वगैरह पसंद आई होगी ना हमारे पाइनएप्पल काटने के वगैरह, लाइक करना मत भूलना क्योंकि लाइक इंपॉर्टेंट होता है। ये सब भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा चैनल पे लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे। कमेंट करना बेटू, क्या गलत किया है मैंने, मेरी गलती है कि वो गलत मेरे को बस दिखा दो, बस मान गया तुमको। ओके ठीक है, पाइनएप्पल खाते खाते उसके कुछ गुणधर्म मैं आपको बता देता हूँ। पाइनएप्पल इज रिच इन विटामिन सी, थोड़े से नेशनल ज्योग्राफी वाली फीलिंग दे देता हूँ। रिच इन विटामिन सी एंड फैमिली कैक्टस से आता है। ये कैक्टस है जो हम लोग खा रहे हैं, जिसको पता नहीं है उनको मैं बता दूँ कि ये कैक्टस है जो हम लोग खाते हैं। विटामिन सी होती है एंड बाकी सब बहुत कुछ है, मैंगनीज, एंजाइम्स, पड़ा लिमकाना, लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर, बहुत कुछ है। पाइनएप्पल खाया करो। चलो ऑलमोस्ट हो चुके हैं 5:15 इन द इवनिंग एंड हम लोग भी बाहर निकलेंगे। घर से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन। दिन में बाहर निकलते नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो गर्मी होने की वजह से मैं घर से बाहर निकलता नहीं हूँ। बट अभी शाम का टाइम है, निकलते बाहर और मिलते नए नए लोगों से अगर मिल सकते हैं तो। मुझे ना एक चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है। मैं गार्डन में यहाँ पर रोज़ आता हूँ, रोज़ आने के बाद ना एक चीज़ है, ये जो पत्थर दिख रहा है ना इसके नीचे क्या है मालूम नहीं। दो तीन बार मैंने देखा नहीं, डेली ऑलमोस्ट देखता हूँ कि यहाँ पर है ना कुछ बच्चे आते हैं, कुछ तो रखा है उसके नीचे। लेट्स सी व्हाट इज इन दैट पिट, क्या है अंदर, लेट्स सी। कुछ तो रहेगा शायद से, ये क्या रखते हैं। अरे ये तो वॉल लग रही है मेरे को, पानी का वॉल है ये तो, क्या मालूम क्या सीन है इसके, इसका छुपा क्यों रखते हैं। मतलब ये लोग किस चीज़ के लिए आते थे, पानी चालू करने के लिए। मेरे को लगा कुछ तो गांजा बिंजा कुछ तो ऐसे पदार्थ रखते होंगे जिसके वजह से ना नशा विशा होती है, क्योंकि इतने चुप चुप के आते थे और चुप चुप के चालू करके जाते थे ना। अभी मालूम पड़ा। मैं अभी गार्डन से घर पे आने के बाद है ना मैंने एक वीडियो देखा, उसमें ना एक बंदा है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, मे बी कंटेंट टाइप लाइक ध्रुव राठी, जैसे नॉलेजेबल कंटेंट, अच्छा मतलब रिसर्च वगैरह अच्छा है। बट बंदे ने एक बात बोल दी कि डोंट फॉलो ब्लॉगर्स, उनका कुछ अलग ही चलते रहता है एंड ऑल ऐसे कुछ। तो मैंने पूरा वीडियो देखा, एनालिटिक्स बहुत अच्छा है, इन द सेंस उसका जो गैदरिंग करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, रिसर्च करने का तरीका बहुत अच्छा है। एंड वो ऐसे बोल रहा था कि वो अपना देखते, ब्लॉगर्स अपना देखते एंड ऐसे। मुझे लगता है कि हर किसी को अपना चॉइस है और हर किसी को अपने अपने चॉइस के हिसाब से प्रोफेशन चूज़ करने का, हर जिंदगी हर किसी को अपनी अपनी ज़िंदगी चांस देती है, शायद बहुत जन को देती नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसा एंड ऑल। बहुत सी चीज़ें होती है, मैनिपुलेशन होता है, बहुत सी चीज़ें अकॉर्डिंगली कंडीशन के थ्रू नहीं चलती। बट मुझे लगता है कि इसका मतलब इसका जो बोलते ना इसका किसी के ऊपर उंगली उठाना या उसकी उंगली दिखाना कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर किसी को चांस देने के बाद ऐसे उंगली वगैरह उठाने की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो आपको चांस मिला था, आपने नहीं किया, जिसको अभी चांस है वो ट्राई कर रहा है। अगर उनको लगता है कि यूट्यूब सही नहीं है तो वो खुद भी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे होने की वजह से पैसे की इनकम आती है। ऑब्वियसली हर कोई यूट्यूब जो यूट्यूबर्स यहाँ पर यूट्यूब पर काम कर रहा है वो ऑब्वियसली पैसे के लिए कर रहा है और हर कोई उसके लिए कर रहा है, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा कि हम लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, हर कोई पैसे के लिए कर रहा है। बट आपको ठीक है, बड़ा ही मस्त अभी व्यू आ रहा है यहाँ पर क्लाउड्स का, आप एंजॉय करो। टाइम लैप्स स्टार्ट करता हूँ मैं।
अभी मस्त से क्लाउड देखने के बाद हम है ओमकार भाई के पास। ओमकार भाई वेरी मच टेंस दिखता है आजकल, टेंस दिख रहा है क्योंकि एग्जाम है उसके अभी, एग्जाम की वजह से बहुत टेंस दिखता है बंदा, थोड़ा बिजी है एग्जाम के इसमें। कल खत्म हो जाएगा एग्जाम, इवेंचुअली खत्म हो जाएगा कल के दिन एग्जाम, और हम लोग फ्री हो जाएंगे ब्लॉग करने के लिए। अभी इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो इसको ये पूरा डिस्प्लेस हो जाएगा, वो अपना काम भूल जाएगा और हमारे पीछे लग जाएगा। अनंतर हो गया, अथर्व आया हमारे पास। हाँ नहीं, अथर्व आया है अभी बाहर जाने का है, आटा चक्की वो वाला कल का वाला ब्लॉपर है वो ही करना है आज। चलो अब बट ये करेगा नहीं, आज के ब्लॉग में देख ले बेटा, वो थोड़ा ब्लॉपर है वो देख लेगा तो मालूम पड़ जाएगा तेरे को। अभी एक दिन दुकान, इनका एक बहुत ज्यादा स्पेशल दुकान है, अथर्व के फैमिली वाला दुकान है। वो बंदा सेक्टर 3 में था, अभी सेक्टर 4 में चला गया। दूर दूर तक उसके पास सामान लेने के लिए गाड़ी पे आते, पर आते क्वालिटी मैटर्स। ये गार्डन क्यों बंद है? बंद नहीं है रे भाई, ब्रिज का काम कर रहे हो उधर। ओ हो, इधर अंदर तक ब्रिज चला गया? तो कहा था कि इधर अंदर अगर ब्रिज चला गया तो कहाँ से कहाँ निकल पाएगा? कुछ मालूम नहीं, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। बट ये पोस्ट ऑफिस के बाजू में, ये साइड में, बट तो उधर से कैसे निकालेंगे मालूम नहीं। लेट्स सी, अभी जब आएगा तभी मालूम पड़ेगा हम लोग को कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बाबा ये सब गाड़ी लोग, गाड़ी वाले आजकल बहुत डेंजर लगते हैं मेरे को, क्योंकि क्या और कैसे करेंगे वही समझ में नहीं आता उनका। ये देखो कैसे हाथ में गाड़ी लेके जा रहे हैं, लगता है फ्यूल खत्म हो गया बंदे लोग का, भरते पर ध्यान नहीं देते ऐसे लगता है, नहीं तो बच्चे हराम कर रहेंगे, घुमा के लाके गाड़ी खड़ी करते रहेंगे घर पे धक्के मारने के बाद। ओके अभी मैं घर पे आया, बट घर पे आने के बाद ना मेरे को एक चीज़ मालूम पड़ी, वो चीज़ ऐसी है कि मेरे जो कॉलेज वाले हैं उनको अभी याद आ रही है हमारे कॉलेज के डेज की, तो वो कॉलेज के डेज के बारे में पूछ रहे मेरे को। मतलब मेरा कोई रोल है नहीं वैसे मेजरली, क्योंकि मैं एक ट्रेजरर हूँ, तो मेरा रोल मेरे को लगता नहीं है कि इसमें होगा करके। प्रेजिडेंट है, GS है, सेक्रेटरी है, वो सब सोचने चाहिए, ऐसे नहीं डिस्कशन करने के लिए बोल रहे, बट मैं अभी क्या करूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी उनसे कॉल पे बात कर लूँगा, अभी देखते क्या हो सकता है क्या नहीं, वी विल ट्राई कि बेस्ट हो जाए करके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब।